तो हेलो एवरीवन, आज हमारा थर्ड पार्ट है कंपनी लॉ का। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर बॉटिस्ट कंपनी के बारे में देखा, कंपनी को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कंपनी के, कंपनी की नेशनलिटी देखी, कंपनी की सिटीजन देखी, कॉरपोरेट वेल पर्दे वाला कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा और हमने डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी देखा। देखो, ये कंपनी लॉ चैप्टर बड़ा है, इसमें एक और वीडियो लगेगी, पर उसके बाद अपना लीगल एप्टीट्यूड एक तरीके से कंप्लीट है। जो इसके ऊपर वाला चैप्टर है सीए वाला, लेजिस्लेशन वाला, वो एक दिन का है, वो भी ऑलमोस्ट कल ही अपलोड हो जाएगा। और ये अपना कंपनी लॉ का पार्ट 3 है, ठीक है। हमने कल टाइप्स ऑफ कंपनी वाले तक बहुत सारी चीज़ें देखी। अब अपन जर्नी ऑफ कंपनी लॉ देखते हैं कि भाई ये जो कंपनी कल से ही कंटिन्यू करते हैं, ये जो इंडियन कंपनी लॉ से पहले भी कोई लॉ था। हाँ भाई, बिल्कुल लॉ था। तो वो लॉ कौन सा था, वो लॉ कौन सा था, ये देखो, ये वाला लॉ था। फर्स्ट कंपनी एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन 1850। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। मतलब अपन को क्या ध्यान रखना है, 1850 में फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट पास हुआ था। किसने पास करा था? इंडियन गवर्नमेंट तो 1850 में थी नहीं, तो ब्रिटिशर्स ने ही पास करा था। और किस एक्ट को ध्यान में रखते हुए या किसके पद चिन्हों पर चलते हुए ये एक्ट पास हुआ है? ये 1844 के अंदर ब्रिटिशर्स ने 6 साल पहले अपनी कंट्री के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बनाया था। उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने इंडिया के अंदर भी 1850 वाला ये एक्ट बनाया। इसको अमेंड करा गया, रिकास्ट करा गया, नया एक्ट बनाया गया। इतनी चीज़ें हमको ध्यान नहीं रखनी, हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहला एक्ट 1850 में बना था। ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएंगे, मेरे को पिंग कर देना ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। और सारे लेक्चर्स फ्री है, हमारा 10 डेज के अंदर लीगल का कोर्स हो जाएगा और फिर लॉजिकल का 5 to 6 डेज में हो जाएगा। लॉजिकल अपनी बहुत ईजी है, लॉजिकल की चिंता मत करना, और MCQs और भी सब प्रोवाइड होएंगे। तो अपनी फर्स्ट कंपनी एक्ट बन गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रिकास्ट हो रही है, अपन को ध्यान नहीं रखना। इतना ध्यान रखोगे तो फिर हम कोई वो थोड़ी है, रोबोट के अंदर जो वो होता है रजनीकांत की, ऐसे ऐसे करा सब कुछ याद हो गया, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे अपन बात करें, पहला एक्ट ये था। फिर क्या था, न्यू कंसोलिडेटिंग एक्ट। क्या नाम था? न्यू कंसोलिडेटिंग एक्ट। वो कब पास हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था और 1951 तक एप्लीकेबल था, ठीक है। न्यू कंसोलिडेशन एक्ट पहला एक्ट कब हुआ? ब्रिटिशर्स ने करा 1850 में। सेकंड एक्ट कब हुआ? 1930 के अंदर न्यू कंसोलिडेटिंग एक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद अपना आया थर्ड, उसका नाम क्या है? उसका नाम आया कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। सॉरी, ये चीज़ दिखी नहीं आपको। फर्स्ट अपना कब आया? ब्रिटिशर्स ने करा 1850। किसके लाइंस में करा? जो 6 साल पहले उसने इंग्लैंड के अंदर एक बिल पास करा था कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, उसके लाइंस में करा। द सेकेंड एक्ट दैट वॉज नोन एज कंसोलिडेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1913 एंड द थर्ड एक्ट वॉज पास्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन 1956। दिस वॉज डन बाई इंडियन गवर्नमेंट इन 1956, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस कंपनीज एक्ट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड। बट नाउ सी दिस गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1956। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द कमेटी दैट इज अंडर HC बाबा। वो हु इज दिस HC बाबा कमेटी इन नाइन। देखो, कोई चीज़ बनती है ना तो उससे 10-15 साल पहले उसकी बनने की योजना चालू हो जाती है। इसकी बनने की योजना 1950 में चालू हुई थी। देखो, 6 साल पहले चालू हुई थी कि 6 साल पहले से गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी कि हमें ये एक्ट बनाना है। तो उसको एक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने HC बाबा कमेटी बनाई, जिसने टू वर्क ऑन अ न्यू कंपनी लॉ अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री 1950 में। इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद सबमिट करी। रिपोर्ट कब सबमिट करी? 2 साल बाद सबमिट करी। पर एक और बात है, और ये फिर ये 2 साल बाद सबमिट करी और फिर ये 4 साल बाद अपना कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 बन गया। दोबारा समझते हैं अपन, सबसे पहले अपना कंपनीज एक्ट कब आया? 1850 के अंदर आया। किसके द्वारा आया? ब्रिटिशर्स के द्वारा आया। सेकंड अपना एक्ट का नाम क्या था? न्यू कंसोलिडेटिंग एक्ट। कब आया? 1913 के अंदर आया। थर्ड हमारा क्या नाम था? थर्ड हमारा कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 था, ठीक है। इसकी बनने की तैयारी कब से चालू हुई थी? 1950 से चालू हुई थी। क्या गवर्नमेंट ने क्या बना था? एक कमेटी बनाई थी HC बाबा के अंडर में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 1952 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। पर देखो, जैसे ये वाला एक्ट लार्जली वॉज
मतलब कट कॉपी पेस्ट था, कहाँ से था, जॉइंट स्टॉक एक्ट जो भी इनका था 1844 का एक्ट था उससे कट कॉपी पेस्ट था। वैसे ही ये एक्ट भी जो ब्रिटिशर्स के टाइम 1950 में जो एक्ट था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट, इंग्लिश कंपनीज एक्ट, वो ये एक्ट, ये वाला एक्ट भी ब्रिटिशर से इंस्पायर्ड था, ये वाला एक्ट भी ब्रिटिशर से इंस्पायर्ड था। इंडिया ने अभी तक अपना कोई भी एक्ट नहीं बनाया, सारे कट कॉपी पेस्ट करे हैं। यही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है कि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने 1952 में रिपोर्ट सबमिट करी। इस एक्ट, ये एक्ट जो रिपोर्ट सबमिट हुई इसके अंदर भी मैक्सिमम रिकमेंडेशंस वर फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कंपनीज एक्ट ऑफ 1950। ठीक है, फिर अपन ने इसको कई बार 10, 15, 20 बार इसको अमेंड करा है, 1960 से लेके 1, बीच में बहुत सारे हैं, बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट है। इतने याद नहीं रखने, सिर्फ इतना याद रखना है पहला एक्ट कब आया, 1850 में, फर्स्ट कंसोलिडेटेड एक्ट फिर कब आया, 1913 में, फिर कंपनीज एक्ट कब आया, 1956 में। वो किससे इंस्पायर्ड था, वो 6 साल पुराने ब्रिटिशर्स वाले इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड था। ये किससे इंस्पायर्ड है, 6 साल पुराने ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट से। ठीक है, ये चीज हो गई अपनी। ठीक है, उसके बाद आया फोर्थ एक्ट, ये वाला अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद आया हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट इसके बाद क्या आया, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 जो आज भी चल रहा है। सीएस क्या है, सीएस कंपनीज एक्ट है। कंपनी सीएस कहाँ वर्क करता है, कंपनी के अंदर करता है। कंपनी किससे किससे होती है, कंपनीज एक्ट से फंक्शनिंग करती है। कंपनीज एक्ट इज एवरीथिंग फॉर अस। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में पूरा पेपर है कंपनीज एक्ट पे बेस्ड, सेकंड पेपर, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इसके अंदर अब देखो, मैंने अभी क्या बोला, कोई भी एक्ट आता है तो 10-15 साल पहले उस एक्ट की बनने का प्रोसीजर चालू होता है कि वो एक्ट में क्या क्या चीजें होगी। तो 2004 में गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट को लगा यार कोई एक्ट होना चाहिए क्योंकि ये वाले एक्ट सारे पुराने हो गए और ये सारे इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, इंडिया का खुद का कोई अभी तक एक्ट नहीं है। तो 2004 में एक कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज करा गया। कॉन्सेप्ट पेपर क्या होता है, जिसमें पब्लिक की ओपिनियन मांगते हैं, वो पेपर रिलीज करा गया। कॉन्सेप्ट पेपर वॉज रिलीज टू पब्लिक सो दैट पब्लिक कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट वॉट दे वॉन्ट इन एक्ट, अबाउट वॉट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज दे वॉन्ट इन दैट एक्ट। सो कॉन्सेप्ट पेपर वॉज रिलीज। ठीक है, 2004 में गवर्नमेंट को नीड लगी। 2000, देखो ये डेट वगैरह याद नहीं रखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि 2004 में डॉक्टर जे ईरानी, देखो उसमें एच सी भाभा कमेटी थी, साफ साफ एमसीक्यू आ सकता है। इसमें क्या है, जे ईरानी कमेटी है। जे ईरानी कौन था, वो पहले टाटा सन्स कंपनी का डायरेक्टर था। उस पर उसने कमेटी, गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी। इस कमेटी ने 1 साल में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, 2005 में रिपोर्ट सबमिट कर दी। और इसने क्या बोला, इसने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करी और फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की बात करी कि फ्लेक्सिबिलिटीज दो, फ्लेक्सिबिलिटीज दो, फ्रीडम दो ऑपरेशन की, कंपनीज को फ्रीडम दो ऑपरेशन की। बहुत सारे रिकमेंडेशन करे। आप कोई 50 साल बाद एक्ट बनेगा तो उसमें 50 साल बाद सोसाइटी अपनी बहुत इवॉल्व हो जाएगी, तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग एक्ट बनेगा। तो इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए और अप्रूवल रिजाइम से शेयर होल्डर रिजाइम का शिफ्टेड फ्रॉम, और रिकमेंडेशन क्या करे, अप्रूवल रिजाइम से शेयर होल्डर अप्रूवल, मतलब शेयर होल्डर को पावर दो, शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो। तो बहुत सारे इसमें रिकमेंडेशन हुई, हमको ये ध्यान नहीं रखना। हमें क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट को नीड कब हुई, 2004 में, उसने कमेटी कब बनाई, 2004 में, किसके अंडर में बनाई, डॉक्टर जे ईरानी के अंडर। उसने रिपोर्ट कब सबमिट करी, 2005 में। ठीक है, अब इसके बाद की ये चीजें अपन को ध्यान नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी, कि वो 2005 में रिपोर्ट सबमिट करी, 4 साल बाद उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा, लोकसभा में उसको कमेटी में भेज दिया। कमेटीज होती है बहुत सारी, तो स्टैंडिंग कमेटी एक लोकसभा के अंदर की कमेटी है जिसमें बिल को चेक करने के लिए, बिल के प्रोविजंस को चेक करने के लिए भेज दिया। रिपोर्ट सबमिटेड, फिर उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी 2010 में। फिर 2010 के बाद जो उस कमेटी ने सजेशंस दिए उसको उस बिल में अमेंड करके दोबारा लोकसभा में पेश करा 2011 के अंदर। फिर वो लोकसभा से 2012 में पास हुआ, फिर राज्यसभा में 2013 में पेश करा, और फिर फाइनली कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 बन गया। मतलब देखो, हमने इंट्रोड्यूस करा 2004 में और बना कब, 2013 में। कितने साल लग गए, 9 ईयर्स लग गए कंपनीज एक्ट को बनने में।
कितना लंबा प्रोसीजर है, लोकसभा में भेजा, लोकसभा ने कमेटी को भेज दिया, कमेटी ने अपनी सजेशंस दी, वो सजेशंस अमेंड होकर आई, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर लोकसभा ने पास करे 1 साल बाद, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर राज्यसभा ने पास करा। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट है। तो दोबारा इसको समरी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंपनी एक्ट में क्या ध्यान रखना है। 1950 में ब्रिटिशर्स एक्ट लाए, किसके लाइंस पे लाए, ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का एक्ट जो 1844 का था उसके बेसिस पे। फिर कंसोलिडेटिंग एक्ट लाए 1913 का। फिर कंपनीज एक्ट 1956 लाए, जो किस कमेटी ने बनाया, बाबा होमी, जो भी ये अपनी कमेटी है ना अभी मैंने बताया, उस कमेटी ने बनाया। फिर उस कमेटी ने किसके किसकी मतलब ज्यादातर मानी, 1950 में जो इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश कंपनीज एक्ट था, उसकी बेसिस पर रिकमेंडेशन दी। फिर कंपनीज एक्ट 2013 की नीड बनी, कब नीड पड़ी, 2004 में नीड पड़ी। और फिर सारा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके डॉक्टर जे ईरानी कमेटी ने सारी चीजें करके इस कंपनीज एक्ट फाइनली हमारा बन गया। ठीक है, ये जर्नी ऑफ कंपनीज एक्ट हो गई। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो कंपनीज एक्ट कहाँ का एप्लीकेबल है, तो सेक्शन 1, देखो इसमें बहुत कम सेक्शन आया है, अभी तक 2 आया है सिर्फ। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर सेक्शन 8 आया था जो चैरिटेबल कंपनी थी, और सेक्शन 2 जो कंपनी की डेफिनेशन बताता है दैट कंपनी इज एनीथिंग विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू कंपनीज एक्ट और एनी अदर सच एक्ट। तो अभी तक 2 ही आया है। सेक्शन 1 क्या बोलता है, दिस कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड फॉलोइंग प्रोविंसेस, एंड ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और इन चीजों पर अप्लाई करेगा। पहला, जो कंपनीज इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है या फिर पुराने किसी एक्ट में रजिस्टर है, हो सकता है कोई कंपनी 1860 से फंक्शन कर रही हो और वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, तो ठीक है वो उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो हम उसको कंपनी मानेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नया एक्ट आएगा तो ये कंपनी दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगी। रजिस्ट्रेशन इज वेरी लेंथी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन में बहुत टाइम लगता है। अभी अपन आगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का, लेंथी प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं होता कि नया कंपनीज एक्ट बना, कंपनी दोबारा इसमें बनाएगी, कंपनी इसमें करवाएगी। जिस जिस जब तुम कंपनी बने थे और जिस टाइम जो एक्ट था उसमें ही तुम अपना उसमें ही तुम अप्लाई हो सकते हो, उसमें तुम हम तुम्हें कंपनी का स्टेटस दे देंगे। तो क्या लिखा है, ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन टू दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ उन पे कंपनीज एक्ट लागू होगा। सारी इंश्योरेंस कंपनियों पे कंपनीज एक्ट लागू होगा। अब एक और चीज देखो, देखो मेरी बात, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पे 2 एक्ट लगेंगे। एक होता है जनरल, एक होता है जनरल। जनरल का नाम क्या है हमारा, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 जो सब में लगता है, और एक होता है अपना स्पेसिफिक जो कि किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेशन पे लगता है। अगर कभी जनरल एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, स्पेसिफिक जीतेगा। कैसे, देखो जनरल तो हर पे लगता है, हर कंपनी पे लगता है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, किसी कंपनी में लगता है। पर मान लो जो इंश्योरेंस कंपनी का गवर्नमेंट ने अलग से एक्ट निकाल दिया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक अलग से उन्होंने एक्ट निकाल के इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कर दिया, तो फिर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इस पे नहीं लगेंगे। दोबारा समझो, एक एक्स कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ने किसी XYZ एक्ट से बनाया है, गवर्नमेंट ने इस कंपनी के लिए स्पेसिफिक एक्ट निकाल दिया कि ये कंपनी ऐसे फंक्शन करेगी, तो जो जनरल एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, पर सारे जो उसके जो सारे स्पेसिफिक एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हैं वो ही फॉलो होंगे, वो ही फॉलो होंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी पे 2 एक्ट लगते हैं, एक होता है जनरल जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट जो सब जगह लगता है, और एक होता है हमारा IRDA जो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज पर लगता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक एक्ट। बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनी है तो जनरल एक्ट क्या होता है, कंपनीज एक्ट, पर गवर्नमेंट ने बैंकिंग को रेगुलरेशन करने के लिए बैंकिंग रेगुलरेशन एक्ट अलग से बनाया है, तो उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक एक्ट। कभी जनरल और स्पेसिफिक के बीच में प्रोविजंस की लड़ाई होगी, ये बोलता है 10 लाख दो, ये बोलता है 20 लाख दो, किसकी बात मानेंगे, स्पेसिफिक की मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, और जनरल तो सबके लिए है ही, ठीक है।
तो ये बात हो गई, बोथ एक्ट्स आर एप्लीकेबल, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोविंसेस स्पेसिफिक एक्ट रूल्स विल ओवरराइड द जनरल रूल्स। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल कंपनी से, इलेक्ट्रिकल कंपनीज के लिए भी, बैंकिंग कहाँ से आ गया इसमें, इलेक्ट्रिकल कंपनीज के लिए भी कंपनीज एक्ट है और एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक्ट है, तो इस पे भी वही बात हो गई। अब कोई कंपनी को किसी एक्ट से बनाया है तो उसमें वो एक्ट भी फॉलो होगा और कंपनीज एक्ट भी फॉलो होगा, पर अगर कभी लड़ाई होगी तो किसके प्रोविजंस को माना जाएगा, जिस एक्ट से वो कंपनी बनी है उसके प्रोविजंस को माना जाएगा। ये जनरल बात है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, बस पता होना चाहिए। अगर बैंकिंग कंपनी बनी है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से एक्ट बना दिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना दी, जिसमें सारी चीजों को, इस कंपनी की सारी चीजों को स्पेसिफाई कर दिया। तो जनरल एक्ट तो एप्लीकेबल है ही, स्पेसिफिक भी एप्लीकेबल है, पर दोनों में लड़ाई होगी तो स्पेसिफिक वाला जीतेगा क्योंकि वो सिर्फ इस कंपनी के लिए है। ठीक है, हमने ये वाली चीज भी कर ली कि जर्नी ऑफ इंडियन लॉ, हमने अभी क्या देख लिया, जर्नी देख ली, और ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ये जो कंपनीज एक्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ पर है, हमने क्या देख लिया, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पर है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब देखना, अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस, अब कंपनी कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली में डिफरेंस, और फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी और LLP में डिफरेंस। ये कंपनीज एक्ट बड़ा है पर टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर समझ में आ गया ना तो फिर तो इसमें कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, सारे कॉन्सेप्ट इतने इजी है पर इसमें टाइम लगता है। ये सबसे बिगेस्ट चैप्टर है, जो इसके ऊपर वाला चैप्टर है अपना कंपनी सेक्रेटरी वाला, वो एक लेक्चर का चैप्टर है, उसमें काफी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, और बाकी चीजें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी, अगर तुमने मेरी लेक्चर वन की वीडियोस देखी होगी तो मैंने डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी वहीं पर ही करवा दिया था, वहीं पर ही करवा दिया था, मतलब जब मैंने कहा था ना कंपनीज की नीड क्यों पड़ी, तो मैंने पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज गिनाए थे, तो वो चीज एक तरीके से वही कवर हो गई, पर हम दोबारा कवर करते हैं। देखो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आर द ओनर्स, पार्टनर्स आर द ओनर्स, सारे पार्टनर ओनर होते हैं। ठीक है, यार मेरे को 100 रुपये चाहिए, चल एक काम कर, 50 रुपये तू दे, 50 रुपये मैं दूंगा, जो मेरे को प्रॉफिट होगा ना उसको भी अपन आधा आधा कर लेंगे। हम दोनों क्या है, हम दोनों ओनर्स है, पार्टनरशिप के अंदर ओनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं, कंपनी में कोई ओनर नहीं होता, कंपनी सबकी होती है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती, ये क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है। अगर इसके अंदर लॉस हुआ तो कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें अगर लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्टनरशिप की है। अगर ये डूब गई तो क्रेडिटर्स या बोले तो बैंक किससे पैसा मांगेंगे, किसी से नहीं पैसा मांगेंगे, ना तो मेंबर से मांगेंगे ना ही डायरेक्टर से मांगेंगे, अगर डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉड नहीं किया होगा। अगर ये डूब गई तो बैंक इसके एम्प्लॉय, इसके जो भी पार्टनर्स है उनसे पैसा मांगेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे, मतलब इसमें सब कुछ कर देंगे अपने पैसे रिकवर करने के लिए। दोबारा पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर ओनर होते हैं, इसके अंदर कोई लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रॉपर्टी इज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये सब मैंने डिफरेंशिएशन में लिख रखा है। और इसमें प्रॉपर्टी किसकी होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके अंदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप से क्या बनता है, पार्टनरशिप से फर्म बनती है, फर्म के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या मेंबर्स कर सकते हैं कंपनी के बेसिस पे, कि मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद रखा है, मैं पूरी रिलायंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नहीं, नो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते इसमें पार्टनर्स, फर्म्स की बेसिस पे, क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर्स, दे आर द मास्टर्स।
ठीक है, कि सारे लॉस के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, सारे प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, पार्टनर सब कुछ है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर वन के अंदर, अपनी वीडियो लेक्चर वन के अंदर, कंपनी लॉस के अंदर ये मैंने डिस्कस करा है। अब अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लीगल पर्सन है, कंपनीज लीगल पर्सन, और उनके बीच में कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अ फर्म इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, अ पार्टनरशिप अ फर्म कर देते हैं इसको। देखो, अ फर्म इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स मिला के फर्म बनाते हैं और वो सारे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी होती है? प्रॉपर्टी कंपनी की होती है। इसमें प्रॉपर्टी किसकी होती है? इंडिविजुअल की होती है। जो अकाउंट्स होते हैं ना, ऑडिट, अकाउंट्स की ऑडिट, मतलब पूरे साल में कंपनी के अंदर एक बार अकाउंट्स को चेक कराना पड़ता है कि कंपनी के डायरेक्टर कोई घपला तो नहीं कर रहे, कोई करप्शन तो नहीं कर रहे। सो वी इट इज मैंडेटरी टू चेक फॉर द अकाउंट्स एनुअली इन द कंपनी, वाइल इन दैट ऑफ पार्टनरशिप इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की मर्जी है कि वो कोई अकाउंट चेक करवाए या नहीं करवाए, क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर्स। ठीक है, इसमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनको चेक कराते हैं। अब सुनना, कंपनी बनती कैसे? लॉ के डिटेल्ड प्रोसीजर से बनती है। और कंपनी डिसॉल्व कैसे होती है? वो भी प्रॉपर लॉ के, कंपनीज एक्ट में जो डिसॉल्यूशन प्रोसीजर लिखा है उसके बेसिस पर ही कंपनी डिसॉल्व होती है। और इसमें क्या होता है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है एग्रीमेंट से। बनती कैसे है? बनती कैसे है? फॉर्म्ड किसी लॉ से बनती है, किसी रजिस्ट्रेशन से बनती है। फॉर्म्ड विद एग्रीमेंट एंड कैन बी डिसॉल्व्ड विद एग्रीमेंट टू। ठीक है, पार्टनरशिप मैंने चैप्टर वन, वीडियो लेक्चर वन में भी कवर करा है। वही चीज है कि पार्टनर्स में सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कंपनी अलग है, बीच में कॉर्पोरेट वेल है, मेंबर्स डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है लॉसेस के, प्रॉपर्टी कंपनी की है, इसमें प्रॉपर्टी पार्टनर्स की है, इसमें ऑडिट जरूरी है, इसमें ऑडिट जरूरी नहीं है, ये डिटेल प्रोसीजर ऑफ लॉ से ही वो होती है, एंड होती है। और इसमें कोई डिटेल प्रोसीजर नहीं है, एग्रीमेंट से बनी थी, एग्रीमेंट से एंड हो जाती है। ठीक है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया कि कंपनी की अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है? जितने उन्होंने शेयर होल्डर्स लिए, शेयर होल्डर्स मतलब जितने उनके शेयर्स लिए उनकी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या मेंबर और उससे पैसा मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ठीक है, क्रेडिटर्स इनमें से किसी से पैसा नहीं मांग सकता। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर मतलब क्रेडिटर्स सब कुछ है, क्रेडिटर्स इनके इन सब से पैसे मांग सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बेच सकता है, बैंक इनकी प्रॉपर्टी बेच सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। पार्टनरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सुनना, परपेक्चुअल सक्सेशन वाली बात हो गई कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स आएगा, डायरेक्टर्स मर जाएगा तो नया डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, मेंबर मर जाएगा तो लीगल हायर में ट्रांसफर हो जाएगी। ये भी हमने वीडियो लेक्चर वन में करा है। बेसिक कंपनी का कॉन्सेप्ट सारा हमने वीडियो लेक्चर वन में समझ लिया है। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें अगर एक पार्टनर मर गया तो पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, सारे फर्म खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी पार्टनर के मरने की वजह से। इसमें शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं, शेयर्स अपन एक दूसरे को बेच सकते हैं, इसमें पार्टनरशिप बेच नहीं सकते कि आज मैं पार्टनर हूं, आज मैं तेरे को अपनी, मैं अपनी पार्टनरशिप तेरे को देता हूं, ऐसा नहीं होता। पर ऐसा हो सकता है अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, तो हम दोनों ने, ए और बी ने, ए बी और सी ने पार्टनरशिप बनाई, इसने अपनी पार्टनरशिप डी को बेच दी, तो इन दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या ये डी के साथ कंपेटेबल है, मतलब क्या इन दोनों को डी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी, वरना इसमें ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकते, उसमें ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये मैंने अभी पीछे डिस्कस करा, मेंबर कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पार्टनर एजेंट होता है कंपनी का, वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये भी वही चीज आ गई, क्रेडिटर्स कैन सू ओनली कंपनी, नॉट मेंबर और डायरेक्टर्स को सू नहीं कर सकता, एंड नॉट मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, बल्कि इसके अंदर जो क्रेडिटर्स हो गए या जो बैंक हो गए, वो अपने वो पार्टनर्स को सीव करके सारे अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं, सारे अमाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा पार्टनरशिप के अंदर, सॉरी कंपनी के अंदर और पार्टनरशिप में। कंपनी का कहाँ है ये लिखा और पार्टनरशिप का कहाँ है ये लिखा। अब अपन बात करते हैं कंपनी और ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस की। ठीक है,
ये मॉड्यूल में गिवन है, ये तीनों डिस्टिंक्शन मॉड्यूल में गिवन है, इसमें एमसीक्यू बहुत इजी आएगा, तो ये स्कोरिंग है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन दोनों की। देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो घर के घर की दुकान है, घर का बिजनेस है, वो तो इसके अंदर आ, तो वो वीडियो पॉज हो गई थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, ये हमारा क्या है, ये हमारी कंपनी है। कंपनी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, कंपनी के अंदर कितने भी कितनी सोसाइटी के मेंबर होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, बुद्धिस्ट भी होते हैं, जैनिज जम कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, सारी कम्युनिटी के लोग होते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स मेंबर्स, दैट इज मेंबर्स फ्रॉम एवरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी। हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हिट्रोजीनियस साइंस वालों को पता होगा, हिट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्स्ड कल्चर होता है। फैमिली के अंदर क्या होता है, फैमिली तो भाई एक ही उसकी होती है, एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो फैमिली बिजनेस के अंदर एक कम्युनिटी के लोग होंगे, होमोजीनियस होगा। इसके अंदर जो फैमिली का हेड होता है, दादा परदादा जो भी आप बोलो, जो आपके फैमिली के हेड होते हैं, वो आपकी फैमिली के बिहाफ पे सारे डिसीजन लेते हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ता। इसमें ऐसा कोई सिस्टम होता है, इसमें कोई बॉस होता है, कंपनी तो सबकी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स नए लोग कैसे ऐड होते हैं, बर्थ, किसी घर के अंदर नए बच्चे का, नया बच्चा क्या, फैमिली मेंबर बॉर्न हुए हैं, तो वो बाद में जाके बिजनेस संभालेगा उस घर का। तो न्यू मेंबर्स आर एडेड बाय मीन्स ऑफ बर्थ, मैरिज, किसी की शादी हुई तो वो हमारे फैमिली बिजनेस को संभालेगी। अडॉप्शन, इसमें ऐसा कोई मेथड होता है, नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर फैमिली बिजनेस के अंदर आज तक कभी सुना है आपने, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फैमिली बिजनेस के दुकान के अंदर? क्या रजिस्ट्रेशन होता है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जैसे चलानी है वैसे चलाओ, आपकी घर की दुकान है, आपका घर का जॉइंट फैमिली बिजनेस है, और रजिस्ट्रेशन के अंदर सारा डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन, सॉरी कंपनी के अंदर सारा डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन होता है कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी की। अब देखो मेरी बात, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, हमने ऊपर क्या पढ़े, हमने पार्टनरशिप पढ़ी और कंपनी पढ़ी। जॉइंट बिजनेस तो ठीक है, वो तो सबके घर में होता है बिजनेस, इसमें क्या है, पार्टनरशिप प्लस कंपनी। कंपनी का हमने सब कुछ पढ़ लिया कि कंपनी में कौन लाइबल होता है। जो पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है, जो पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है, उसे हम क्या बोलते हैं, LLP, मतलब हाइब्रिड ऑफ एडेड बेनिफिट ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप इज कॉल्ड LLP। हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी इज नोन एज LLP, मतलब जो पार्टनरशिप की अच्छी चीजें थी वो LLP में डाल दी, जो कंपनी की अच्छी चीजें थी LLP में डाल दी, और क्या बन गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो हम उसे लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। दोनों का अच्छा अच्छा मिला दिया तो ये बन गया। अब देखो अच्छा अच्छा कैसे, जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसमें एक अच्छा बेनिफिट क्या था कि पार्टनरशिप के लिए हमें, देखो मैं बताऊँ, इधर एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। कंपनी और पार्टनरशिप, ठीक है, हमारा पार्टनरशिप में अच्छा बेनिफिट क्या था, हम एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बना सकते थे, हम एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बना सकते थे। और कंपनी में क्या होता था, डिटेल रजिस्ट्रेशन होता था, तो इसका अच्छा बेनिफिट क्या हुआ, एग्रीमेंट से हम इसको बना सकते, इसको इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दिस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड एंड वी डू नॉट नीड टू गो थ्रू द डिटेल्ड लीगल प्रोसीजर, ठीक है। एक बात इसकी ऐड हो गई, इसमें एक खासियत क्या थी, इसके अंदर एक नुकसान बोलो पहले, नुकसान एक लॉस क्या था, इसमें कोई भी ओनर नहीं होता था, ठीक है। मतलब इसमें, एक मिनट रुको, इसमें ऐसा नहीं, एक मिनट रुको, इसमें पहले आप इसमें बात करते हैं, इसमें पार्टनरशिप में नुकसान क्या था, जो पार्टनर्स है वो लाइबल होते थे लॉस के लिए, पार्टनर्स आर लाइबल फॉर लॉस, मतलब अगर कंपनी डूब गई तो बैंक इनसे पैसा लेता था, ये इसकी बुरी बात थी। और इसकी बुरी बात कि इन दोनों के बीच में कंपनी अलग लीगल एंटिटी थी, और इसके बीच में ये पर्दा था, और ये डायरेक्टर्स और मेंबर्स अलग थे।
तो ये अच्छी बात थी ना इसकी, कि भाई कंपनी डूबी तो डायरेक्टर्स मेंबर्स का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उसको इन लोगों ने इसमें डाल दिया। और क्या बोला कि लीगल एंटिटी, क्या बोला, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया। अब इसमें क्या था, परपेचुअल सक्सेशन था, मतलब हमारी कंपनी आती रहेगी, चलती रहेगी। कंपनी मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। इसमें क्या होता था, किसी की डेथ हो गई तो फॉर्म खत्म हो जाएगी, द शो मस्ट गो ऑन। तो ये अच्छी चीज है, तो इन लोगों ने उसको उठा के इसमें डाल दिया। और क्या बोला, परपेक्चुअल सक्सेशन, द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ अ फर्म ऑफ अ पार्टनरशिप मे कम एंड गो बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। इन्होंने दोनों की अच्छी अच्छी चीजों को मिला के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना दी। अब सुनो, नो पार्टनर इज लाइबल फॉर अदर पार्टनर एक्शन। इसमें नुकसान क्या था, एक पार्टनर ने कुछ करा तो सारे पार्टनर है ना उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी, लॉस से सबको लेने पड़ते थे। पर आपकी इसको इसको इसके डिसएडवांटेज को हटा के इसमें ऐड करके क्या बोला कि अगर कोई एक पार्टनर ने कोई रॉन्ग करा है तो उसके लिए सारे पार्टनर लाइबल नहीं हो सकते। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता था कि लाइबिलिटी बैंक इनके असेट्स और जब्त कर लेता था। मैंने वीडियो वन में और वीडियो इसमें खूब बार बोला, बैंक पार्टनर के सब कुछ जब्त कर लेता था इनको, पूरा इनको निचोड़ के इनसे हर चीज ले लेता था। पर ये बुरी बात थी तो इनको सुधार के क्या कर दिया, नो पार्टनर इज लाइबल फॉर, ये हो गया लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एग्रीड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होने से पहले मैंने एग्री करा कि ठीक है अगर कंपनी टूट गई तो मैं देखो 10,000 दूंगा, अगर कंपनी डूब गई तो तू 5,000 देना। तो उससे उसके कारण लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया गया। और लास्ट में इसका स्टार्टिंग और वाइंडिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल है, वरना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा नाटक थे। डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन था, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने तीन डिस्टिंग्विशन कर लिए इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, लेसर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने कंपनी पढ़ ली, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली है, हमने डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी कर ली, कंपनी की नेशनलिटी कर ली, कॉर्पोरेट वेल कर ली, टाइप्स ऑफ कंपनी कर ली, हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ कर ली, कंपनी लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और हमने तीन डिस्टिंग्विश कर लिए, पार्टनर्स, कंपनी, और ये कंपनी जॉइंट हिंदू फैमिली, और ये कंपनी, और ये हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, इसके अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी फॉर्मेट, फॉर्मेशन कैसे होती है, कंपनी का प्रोसीजर क्या होता है कंपनी को बनाने का, अभी हम करते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का फॉर्मेशन, इसमें कोई सेक्शन, इसमें भी कोई सेक्शन नहीं है, टॉपिक दे रखा है कि कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर क्या होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और 1% कंपनी में 1 होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों से सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है। अब इसमें क्या बोला, एक और दी, अब कंपनी में भी फॉर्म्ड 3 तरीके की कंपनी बन सकती है। एमसीक्यू में क्या आएगा, कंपनी कैसे बन सकती है, कंपनी मतलब किस तरीके की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अभी अपन इसको भी देख लेते हैं। अ कंपनी में बी फॉर्म इधर लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड गारंटी। मतलब ए ने एक कंपनी है, ए ने कंपनी है, उसके रुपीज 100 का एक शेयर खरीदा, 100 रुपए के शेयर है ए के पास कंपनी के, तो ए की अगर कंपनी डूब जाती है, कंपनी डूब जाती है तो ए की लायबिलिटी कितनी होगी, 100 रुपए की, जितने का उसने शेयर ओन कराए उतने की लायबिलिटी होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर। मतलब अगर उसने 100 रुपए के अंदर 20 रुपए कंपनी को दे रखे हैं और 80 रुपए अभी पेंडिंग है, तो जो ये अनपेड अमाउंट है उसकी लायबिलिटी होगी। मतलब इन टोटल 100 रुपए से ज्यादा बैंक वाले या कोई भी इससे वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कंपनी डूब गई, जितने के शेयर इसने खरीदे थे उतने वो रुपए दे देगा अगर वो उसने नहीं दे रखे होगे तो पहला क्या है, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड बाय एम। ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, मान लो ऐसा भी होता है कि
जब ये इसके शेयर खरीदता है, जब ए कंपनी के शेयर खरीदता है, तो ये एग्रीमेंट करते हैं, देखो भाई कंपनी डूब गई ना तो तेरे को 1,000 रुपीज देना पड़ेगा। ए 1,000 रुपीज देगा, मतलब ये गारंटी लेता है, ये गारंटी लेता है अगर कंपनी डूब गई तो तेरे को 1,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, कंपनी वाइज गारंटी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटेड बाय द मेंबर इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बींग वाइंडेड ऑफ, डूब गई, डूबने के बाद ये गारंटी ले सकता है। कंपनी है शेयर बेचे, शेयर लिमिटेड बाय गारंटी। फिर ए ने, जब ए ने शेयर खरीदे तो कंपनी ने कहा अगर डूब गई ना तो 1,000 तेरे को कंपनी को देने पड़ेंगे, तो ये लिमिटेड बाय गारंटी हो गया। और एक और तरीके की होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब अनलिमिटेड गारंटी, कोई लिमिट ही नहीं है। वही बात हो गई पार्टनरशिप वाली की, इसके एसेट्स भी जब्त कर सकते हैं, इसकी ऐसा कम होता है, पर एक फॉर्म है ये भी अनलिमिटेड गारंटी का, कि अगर इसने, अगर कंपनी डूब गई तो इसकी सारी चीजें हम जब्त कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर पब्लिक प्राइवेट 1%, अ कंपनी में भी फॉर्म फॉर 3 टाइप्स, नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये एग्जीक्यूटिव में इतना बड़ा आता है ना, इतने सारे सेक्शनों के साथ पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। पर अभी अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अपन देखते हैं। देखो कंपनी बनने के लिए, पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, फिर इसके मेन पॉइंट्स मार्क कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखो नंबर 1, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हर जगह होता है, हर किसी स्टेट में 2 होता है, किसी स्टेट में 3 होता है, मतलब डिपेंड करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, ठीक है। इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जिनको कंपनी बनानी होती है ना, वो डिटेल्स लेके जाते हैं, वो अपनी कंपनी का नाम लेके जाते हैं, वो फीस लेके जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, और एक फॉर्म भरना होता है, और एक फॉर्म भरना होता है जिसको बोलते हैं INC 32 स्पाइस फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्पाइस फॉर्म। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये जिनको कंपनी बनानी होती है वो फीस डॉक्यूमेंट और INC 32 स्पाइस फॉर्म, देखो क्या लिखा है, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपनी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेयर द, अब देखो जहां पर ये कंपनी का ऑफिस होगा, जहां ये कंपनी बनेगी उसी के एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता कि मैं वेस्ट बंगाल में कंपनी बनाना चाह रहा हूँ और महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जिस एरिया में मेरी कंपनी होगी उस एरिया का ही रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, उस एरिया का रजिस्ट्रार होगा। तो क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ कंपनी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज्ड, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज्ड, उसी के रजिस्ट्रार को देना है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ INC स्पाइस, INC स्पाइस फॉर्म भरना होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है। ध्यान रखना MCQ का क्वेश्चन यही है, यही होते हैं MCQ के, आइडेंटिफाई करो INC स्पाइस फॉर्म, ठीक है, अलॉन्ग विद फीस एंड सेवरल डॉक्यूमेंट्स। देखो फीस देनी होती है और सेवरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब फीस तो दे दोगे, डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, हमने डिस्कस करा था, कंपनी बनती है तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो इन लोगों को भर के सबमिट कराना होता है। जो कंपनी, जो लोग कंपनी बना रहे हैं उनकी फैमिली की डिटेल्स, उनकी फैमिली की डिटेल्स और उनकी नेशनैलिटी प्लस उनका आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी चीजें लेते हैं। जो लोग कंपनी बना रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स लेते हैं, ऑल डिटेल्स शुड बी सबमिटेड विद दिस फॉर्म। अब जो कंपनी बनेगी तो कंपनी का डायरेक्टर होगा, उस डायरेक्टर की सारी डिटेल्स लेंगे, उस डायरेक्टर की भी सारी डिटेल्स लेंगे, उस डायरेक्टर की सारी डिटेल्स लेंगे। और एक डायरेक्टर को अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, किसको, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आता है सब कुछ। एक रिटर्न स्टेटमेंट क्या देना होता है कि मैंने लास्ट 5 ईयर्स में मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा, लास्ट 5 ईयर्स पे नो केस ऑफ फ्रॉड, मतलब मैंने किसी और कंपनी में फ्रॉड नहीं कर रखा, ऐसा कोई केस मेरे पे नहीं चल रहा,
डॉक्यूमेंट्स में क्या देने होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फैमिली डिटेल्स जो लोग कंपनी बना रहे हैं, डायरेक्टर की सारी डिटेल्स और डायरेक्टर का रिटर्न स्टेटमेंट कि लास्ट 5 ईयर में मैंने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, मेरे पे कोई केस नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, और एक और चीज ले गए, ये सारी चीजों को, इन सब चीजों के अंदर एडवोकेट का सीएस का या किसी भी लीगल ऑफिसर का एक स्टेटमेंट होता है, एफिडेविट बोल लो, स्टेटमेंट बोल लो, कि हमने सारी लीगल रूल्स को फॉलो करके आपके पास एप्लीकेशन सबमिट करी है, मतलब सारे रूल्स फॉलो हुए हैं। अब एक आम आदमी को क्या पता रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या होते हैं, तो ये लोग लिख के देते हैं कि हाँ हम लोगों ने इन आम आदमियों की मदद करी है और सारे रूल्स हमने फॉलो करे रजिस्ट्रेशन करने के अंदर। नंबर वन क्या हो गया, MON AOA। दूसरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट, एडवोकेट डिक्लेयर करके देखता है कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। तीसरा क्या हो गया, डायरेक्टर ने पिछले 5 साल में ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसका रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। चौथा क्या हो गया, एड्रेस कहाँ फंक्शनिंग करेगा। देखो बहुत ईजी है, पहला MOA एंड AOA, दूसरा डिक्लेरेशन, तीसरा डायरेक्टर ने पिछले 5 साल में कोई गलत काम नहीं करा, चौथा एड्रेस, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी किसका, जो लोग कंपनी बना रहे हैं, और फिर प्रूफ किसका, डायरेक्टर का भी आइडेंटिटी प्रूफ। तो हमने पहला स्टेप देख लिया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा स्टेप देखो, जब ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएगी, when this all things will be submitted to the registrar office will issue a CIA number बोले तो, एक मिनट, इसके अंदर क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन बोले तो तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। फिर उसके बाद CIA नंबर बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का नंबर। दूसरा प्रोसीजर क्या है, सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रार देगा, रजिस्ट्रार कहाँ से देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जो रजिस्ट्रार बैठता है वो देगा। फिर एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN का फुल फॉर्म, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर देगा, CIN इशू करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर देखते क्या करेगा, इतनी चीजें अपन को आ गई समझ में। इसमें कोई डाउट हो पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास और लगेगी, हो जाएगा धीमे धीमे, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं करती, कंपनी को सारी चीजें संभाल के रखनी पड़ेगी। इसका एक कॉपी, इन डॉक्यूमेंट्स को जो उसने सबमिट करा था रजिस्ट्रार, इसकी वन कॉपी अपने पास हमेशा प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन ओरिजिनली फाइल्ड अंटिल इट्स डिसोल्यूशन, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती तब तक उनको संभाल के रखना है। और लास्ट क्या हो गया, इफ अगर कोई तुमने इसमें गलत चीज दे रखी होगी तो तुम्हें फ्रॉड के सेक्शन में तुम्हें केस चलाएगा। अगर तुम्हारी कोई गलत चीज इसमें पकड़ी गई, बाद में पता लगा कि तुमने पेपर गलत दिए थे कंपनी के अंदर, तुमने कंपनी को गलत तरीके से रजिस्टर कराया, तो तुम पे फ्रॉड का केस होगा। तो वही चीज इसमें लिखी है, इफ एनी फॉल्स और मिसकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड विद रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी देन ही विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447 ऑफ IPC, फ्रॉड के सेक्शन में उस पर केस चलाएंगे, फ्रॉड का केस चलाएंगे, ठीक है। अब लास्ट, आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, शेयर कैपिटल, फिर हमारा डायरेक्टर्स बचेगा और बिजनेस एथिक्स बचेगा, मतलब हमारा 80% कंप्लीट हो गया। 80% कंपनी लॉ हमने कंप्लीट कर लिया, सब चीजों के बारे में जान लिया, मीनिंग ऑफ कंपनी जान लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी जान लिया, डिस्टिंग्विशन ऑफ सबके बीच में जान लिया, नेशनलिटी जान ली, डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी जान लिया, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो जान लिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जान लिया। अब शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल में मेरी बात सुनना, बहुत इजी है, ठीक है। ये कंपनी है, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझाया था, कंपनी को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो 1 लाख के शेयर निकालेगी, 1 लाख के शेयर निकालेगी, तो जितने लाख का उसने शेयर निकाले, जितने लाख रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल, मतलब जितने लाख के उसने शेयर निकाले उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। अब मान लो इसके
50,000 के ही शेयर बिके, इसको 50,000 का ही इन्वेस्टमेंट हुआ। फोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए वीडियो रुक गई। देखो जितने का इसने इशू कराया उसे तो कहते हैं इशूड कैपिटल, और जितने का इसका लोगों ने खरीदा है उसे कहते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने के शेयर इशू करे उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। से भी इतना ज़्यादा ध्यान रखना है क्या होता है। इशूड कैपिटल इज द यू नो व्हाट इज द कैपिटल इशूड बाय द कंपनी इज नोन एज इशूड कैपिटल। कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाई इट्स मेंबर इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। और अब देखो, अब सुनना मेरी बात। एक जने ने इस 1 लाख में से 100 रुपये का शेयर खरीदा, 100 रुपये का शेयर खरीदा, और उसने 20 और 80 के रेशो में, मतलब 20 रुपये, देखो 100 का उसने शेयर खरीदा, तो अब कंपनी ने को पैसे नहीं दिए। कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला सब लोग अपनी शेयर के मिनिमम 50 रुपीज दे दो, 50% दे दो। तो इसको कितने रुपए देने हैं? 50 रुपए अभी देने हैं। तो 50% किसने बोला? कंपनी ने। तो इस 50% को क्या बोलते हैं? पेड कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब इट इज द प्रपोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने शेयर 1 लाख के इशू करे, 50,000 के बिके इशू करने इशूड कैपिटल, जितने के बिके सब्सक्राइब कैपिटल, जितने रुपए कंपनी ने मंगाए कि सब अपने 50% दे दो, उसे कहते हैं अपन कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पेड अप कैपिटल। अब कंपनी देखो, कॉल्ड अप कैपिटल तो इतने, अब इसको 50 देने थे, इसने अभी 40 रुपए ही दिए हैं, तो ये क्या हो गई? पेड अप कैपिटल हो गई। अब इसके खिलाफ कंपनी कोई एक्शन लेगी कि तूने 10 रुपए क्यों नहीं दिए। तो ये तो हो गई कॉल्ड अप कैपिटल, दिस इज व्हाट पेड अप कैपिटल, दिस इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दिस इज व्हाट इशूड कैपिटल, एंड व्हाट इज द लास्ट वन वी से नाउ। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अपना ये चार्ट तो बहुत इजी है, अपने ने कितने की इशू करी, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, जितने की कंपनी ने रुपए मंगाए कॉल्ड अप, और जितने रुपए हमने दिए उसे कहते हैं हम पेड अप कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो सकता है समझ में नहीं आए। इक्विटी क्या होती है? जो प्रेफरेंस नहीं होती उसे कहते हैं हम इक्विटी। और प्रेफरेंस खुद क्या होती है? प्रेफरेंस क्या होती है कि जब कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो इन लोगों को ये कोई ये लोग इनको प्रेफरेंस दी जाती है लोन रीपे करने में। इनके अगर पैसे अटके होते हैं तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसलिए बोलते हैं। इनका जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स्ड होता है, इनका जो कंपनी से डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट, अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट पेड ओवर टू शेयर होल्डर, ये फिक्स्ड होता है। इन दोनों को ज्यादा डीप में मत लेके जाओ, ठीक है। ये हमें इतना समझना होना चाहिए कि ये क्या होती है इक्विटी, जो प्रेफरेंस नहीं होती उसको इक्विटी कहते हैं। और प्रेफरेंस क्या होती है? प्रेफरेंस के अंदर हम जब कंपनी वाइंड अप होती है तो हम इनको ज्यादा वो करते हैं, ज्यादा इनको प्रेफरेंस देते हैं, और इसका एक फिक्स्ड रेट होता है प्रॉफिट पे, डिविडेंड बोले तो प्रॉफिट पेमेंट पे, जब कंपनी को पे करना होता है इसका एक फिक्स रेट होता है, और वही इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग पेमेंट होती है। जब इनके प्रॉफिट्स होते हैं ना वो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो अपन ने इतना कर लिया, इसके बाद अपन डायरेक्टर्स करेंगे। देखो इसके बाद अपन डायरेक्टर्स करेंगे और फिर बिजनेस एथिक्स करेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म। देखो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, और आज अपना लाइव सेशन भी हो रहा है 15 मिनट का, सारी जनरल क्वेरीज आपको उसमें आंसर हो जाएगी। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, और जो इसके ऊपर वाला चैप्टर है कंपनी लेजिस्लेशन वाला, ICSI वाला, वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, टेंशन नॉट, कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है, और ये आपके अंदर ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।